चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 27 कहता है, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 10,000 शेयर्स। दोस्तों, आपकी कंपनी का नाम दिनेश लिमिटेड है, यू आर इशूइंग 10,000 शेयर्स। 10 रुपीज का एक है। पैसे कैसे कैसे मांगे गए हैं बेटा? 1 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड देयर इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उस पे मांगे हैं बैलेंस। नाउ एवरीबडी कैन कैलकुलेट व्हाट इज बैलेंस। 1, 2 मेकिंग इट 3 + 3, 6 रुपीज आप इन 3 इंस्टॉलमेंट्स पे मांग चुके हो। सो बैलेंस मीन्स रेस्ट रुपीज 4। कहते द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इट मीन्स पब्लिक ने जितने भी शेयर्स हम इशू कर रहे थे सबके लिए अप्लाई कर लिया, दैट मीन्स फॉर एंटायर 10,000 शेयर्स। अब बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डिफॉल्टर्स इन दिस क्वेश्चन। राम कहता है, राम टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, इसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो ध्यान रखना, हमारा पहला डिफॉल्टर मिस्टर राम थे, हु वॉज हैविंग 100 शेयर, ही इज नॉट पेइंग अस अलॉटमेंट मनी, सो वी आर फॉरफिटिंग दियर शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। देन देयर इज वन मिस्टर श्याम, हु इज हैविंग 150 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, ये हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। देयर आफ्टर सेकेंड कॉल वॉज मेड एंड देन देयर इज ए पर्सन कॉल्ड मोहन हु इज हैविंग 50 शेयर्स, He failed to pay second calls and his shares were forfeited after second call. तो अभी इतना क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना समझते हैं। दोस्तों, हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट टू क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड सो फार। उन दोनों क्वेश्चंस में देयर वर ओनली 1 डिफॉल्टर, यहां आज हमारे पास 3 डिफॉल्टर्स हैं और तीनों ही आदमी अलग अलग जगह पे डिफॉल्ट कर रहे हैं और तीनों के ही शेयर्स में अलग अलग स्टेप के बाद फॉरफिट कर रहा हूं। जरा ध्यान से पढ़ें, तो देयर इज मिस्टर राम हु इज हैविंग 100 शेयर्स एंड ही इज डिफॉल्टिंग एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, सो हिज शेयर्स आर गेटिंग फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। श्याम हु हैज 150 शेयर्स, ही इज नॉट पेइंग अस फर्स्ट कॉल, hence his shares are forfeited after the first call. Then there is Mohan who is not paying us second call money on his 50 shares, hence his shares are forfeited after second call. तो हमारे पास ले दे के अलॉटमेंट पे भी एक डिफॉल्टर है, कॉल पे भी है और सेकेंड कॉल पे भी है, लेकिन एप्लीकेशन पे कोई नहीं है और ऐसा हमें पता भी है कि एप्लीकेशन पे कभी कोई डिफॉल्टर होगा भी नहीं। तो हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन का काम तो आसानी से करते हैं। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दोस्तों, 10,000 शेयर इशू करे, एक एक रुपए के हिसाब से वैल्यू बिकम्स 10,000। नेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन को ड्यू करने की आपको मालूम ही है। एंट्री बनती है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। मेरे ख्याल इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबसे इजीएस्ट पार्ट था। अब दोस्तों, बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जैसे हमें बताया है ड्यू करते समय कोई गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि जब आप पैसा ड्यू कर रहे थे तो यू आर नॉट अवेयर कि मिस्टर राम पैसे नहीं देंगे, तो आपने पूरे पैसे से मांगी, एंट्री बनाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 × 2, 20,000। तो दोस्तों, इसके हिसाब से हमें अलॉटमेंट पे 20,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या कहता है वो वर्किंग नोट में सोल्व करते हैं। क्या मिला? अमाउंट ड्यू था दोस्तों हमारा अलॉटमेंट पे 20,000। कहते हैं अलॉटमेंट के समय राम ने हमें पैसे नहीं दिए, मिस्टर राम हु इज हैविंग 100 शेयर्स, उन्होंने हमें 2 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दी, हेंस हमें 200 नहीं मिले, तो वी मस्ट हैव रिसीव्ड रिमेनिंग 19,800। दोस्तों, अगर अलॉटमेंट पे किसी तरीके की गड़बड़ ना हुई होती तो हम एंट्री बना देते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट विथ 20,000, बन जाती है एंट्री।
लेकिन अभी गड़बड़ तो हुई है, तो जो पैसा नहीं मिला दैट बिकम्स एरियर, और आपको मालूम है कॉल इन एरियर बिकम्स अवर एसेट्स लाइक अवर डेटर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, एरियर डेबिट 200, टू अलॉटमेंट 20,000। तो आपका अलॉटमेंट तो खत्म हो गया, इसका मतलब जो हमने अलॉटमेंट के समय कैपिटल के 20 मांगे थे उसमें से 19,800 मिल गए और बाकी हमें 200 नहीं मिले। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहते हैं राम्स शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। आपने राम के शेयर को अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फॉरफिट कर दिया, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, यहीं पे राम के शेयर फॉरफिट कर लो। अब हमने एंट्री सीखी है फॉरफीचर की, एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री होती है। पैसे कैसे भरते हैं बेटा इसमें वो देखेंगे। कैपिटल सबसे पहले तो याद रखना फॉरफीचर की एंट्री है, तो यहां पे हम सारे शेयर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, फिलहाल उन शेयर्स के बारे में सोचेंगे जो अभी हम फॉरफिट कर रहे हैं। आफ्टर अलॉटमेंट वी आर फॉरफिटिंग मिस्टर राम्स शेयर एंड मिस्टर राम इज हैविंग 100 शेयर, तो वी विल थिंक ओनली अबाउट दोज 100 शेयर्स। कैपिटल, दोस्तों यहां कैपिटल में वो पैसा भरते हो विच यू हैव कॉल्ड अप टिल नाउ, अप टू नाउ जो आपने पैसा अभी तक कॉल कर लिया है। दोस्तों आप शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो, तो टिल अलॉटमेंट आपने कितने पैसे कॉल कर लिए, 1 रुपीज एप्ली के मांगे हैं टू अलॉटमेंट, तो 3 रुपीज कॉल करें आपने। कॉल्स इन एरियर, नाम से ही क्लियर है जो ये आपको नहीं दे रहे, ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। फॉरफीचर, इसमें वो पैसा आएगा जो आपको मिल रहा है, तो 100 शेयर्स पे 1-1 रुपए के हिसाब से यू गाइज आर रिसीविंग 100 रुपीज। क्लियर, तो ये मिस्टर राम के शेयर फॉरफिट हो गए। अगला स्टेप आता है फर्स्ट कॉल ड्यू करना। अब यहां बड़ा ध्यान देना है दोस्तों, एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा ड्यू करने की एंट्री। बट अब बड़े ध्यान से रहना, अभी तक हम कहते आए हैं कि मांगते समय कोई गड़बड़ नहीं करते, तो आप क्या करोगे 10,000 × 3 करके फर्स्ट कॉल मांग लोगे 30 की, लेकिन नहीं। अब प्रैक्टिकली सोचो दोस्तों, आपने 10,000 शेयर इश्यू कर रखे थे, मिस्टर राम के 100 शेयर आपने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, आपने शेयर ही विड्रॉन कर लिए उसके, तो अब इफेक्टिवली तो दोस्तों आपका मार्केट में सिर्फ 9,900 शेयर बचा। जब मार्केट में शेयर ही 9,900 है तो पैसा भी 9,900 पे मांगोगे, तो 9,900 × 3, हेंस यू मस्ट हैव रिसीव 29,700 रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। हाँ, अगर फॉरफिट ना किए होते, खाली डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता, तो डेफिनेटली वी वुड हैव कॉल 10,000 × 3 30,000, लेकिन भाई फॉरफिट ही कर लिए, कैंसिल ही कर लिए, राम से आपने शेयर ही वापस ले लिए, तो राम इज नो लॉन्गर ए शेयर होल्डर, और वो 100 शेयर तो अब आप ही के पास हैं, वो मार्केट में है ही नहीं। तो मार्केट में देयर आर ओनली 9,900 शेयर्स एंड एट द रेट ऑफ 3 ईच यू विल कॉल 29,700। अब इसका वर्किंग नोट एक बार देख लेते हैं। अमाउंट ड्यू था दोस्तों फर्स्ट कॉल पे 29,700। क्या कोई बंदा डिफॉल्ट कर रहा है? यस, देयर इज मिस्टर श्याम हु इज हैविंग 150 शेयर्स, ही रिफ्यूज्ड टू पे फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो हमें कितने पैसे नहीं मिले होंगे मिस्टर श्याम से? 150 शेयर्स, 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी 450 नहीं दिए, तो हमें रिमेनिंग का 29,250 मिल गया होगा। बेटा अगर मिस्टर श्याम डिफॉल्ट नहीं करते, मुझे पूरी फर्स्ट कॉल मिलती, हम एंट्री बनाते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही एंट्री करते, लेकिन अभी डिफॉल्ट है, इट विल बिकम कॉल इन एरियर, तो एंट्री विल बिकम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक, आपकी जेब में कितने पैसे आए दोस्तों? 29,250, कॉल इन एरियर 450,
ये हो गए दोस्तों इस हिसाब से 29,700 कि 29,700 मिलने थे, कुछ नहीं मिले, रिमेनिंग मिल गए। क्लियर दोस्तों, ये आपकी हुई फर्स्ट कॉल तक। अगला स्टेप आया सेकंड कॉल ड्यू करना। सॉरी, अब आपको क्या बोला कि शाम के शेयर फॉरफिट कर लिए जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हुई, शेयर फॉरफिट कर लो। दोस्तों शेयर फॉरफिट करने की वही एंट्री बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। मेरे ख्याल एंट्री का लॉजिक आपको पता ही होगा, क्यों कोई अकाउंट डेबिट और क्यों कोई अकाउंट क्रेडिट कैपिटल। अभी किस चीज की एंट्री कर रहे हैं हम, फॉर फ्यूचर की। तो अपना फोकस सिर्फ उन शेयर्स पे रखना है जिन्हें आप फॉरफिट कर रहे हो। फिलहाल यू आर फॉरफिटिंग शाम्स शेयर्स, सो योर फोकस मस्ट बी ऑन शाम्स 150 शेयर्स। कैपिटल सेज अभी तक जितने पैसे मांग चुके हो। आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो दोस्तों, तो चेक करो फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे मांग लिए, 1, 2, 3 और 3, 6। तो 150 × 6 एरियर। एरियर में वो पैसा जो नहीं दिया मिस्टर श्याम ने आपको, क्या नहीं दिया, ही रिफ्यूज टू पे यू फर्स्ट कॉल, दैट इज 3 per share। तो 150 × 3, 450। फॉर फीचर में कौन सा पैसा लिखते हैं जो हमें मिल चुका। मिस्टर श्याम पे फोकस करो और ये बताओ मिस्टर श्याम ने आपको क्या दे दिया। आज तक आपने मिस्टर श्याम से तीन चीजें मांगी, एप्ली अलॉट और फर्स्ट, ही हैज रिफ्यूज टू पे फर्स्ट कॉल। तो कॉमन सेंस है, उन्होंने एप्ली और अलॉट दे दी, तो 1 rupees एप्ली, 2 rupees अलॉट, तो इस हिसाब से उन्होंने 3 rupees आपको दिए, तो 450 आपको मिल गए। तो दोस्तों यहां आपने मिस्टर राम के शेयर फॉरफिट करे थे आफ्टर अलॉटमेंट, यहां आपने मिस्टर श्याम के शेयर फॉरफिट करे जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल। क्लियर दोस्तों, अब अगला स्टेप आया सेकंड कॉल मांगना। सेकंड कॉल ड्यू करोगे, एंट्री बनाओगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर से दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपने 10,000 शेयर इश्यू करे थे, राम के 100 शेयर एक बार फॉरफिट कर लिए, शाम के 150 शेयर एक बार फॉरफिट कर लिए, तो अल्टीमेटली 250 शेयर तो अब मार्केट में है ही नहीं, ये तो आपने कैंसिल ही कर दिए। तो दोस्तों आपके मार्केट में शेयर बच रहे हैं सिर्फ 9750, तो आप पैसा भी 9750 पे मांगोगे 4 rupees के हिसाब से, तो आपकी फाइनल कॉल बन जाएगी दोस्तों 39,000 की। अब देखो क्या किसी ने डिफॉल्ट किया, हमारे हिसाब से हमें ड्यू होने थे 39,000, बट इट सेज देयर इज मिस्टर मोहन हु इज होल्डिंग 50 शेयर्स, वो आपको सेकंड कॉल नहीं दे रहा। तो दोस्तों 50 शेयर्स पे 4 rupees के हिसाब से, दैट मीन्स 200 rupees की आपको सेकंड कॉल नहीं मिल रही, तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड रिमेनिंग 38,800। तो दोस्तों ये सेकंड कॉल जब आपको मिली होगी, आपने एंट्री बनाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, कि हमें मिलने चाहिए थे 39,200 नहीं मिले, इस हिसाब से 38,800 rupees मिल गए। क्लियर, ये बेटा आपने सेकंड कॉल मांगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, बोला मिस्टर मोहन ने पैसे नहीं दिए इसलिए उनके शेयर भी फॉरफिट कर लो। तो दोस्तों मोहन के शेयर फॉरफिट करोगे, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। दोस्तों शेयर फॉरफिट कर रहे हो, सिर्फ मोहन के शेयर्स पे फोकस रखना है 50। कैपिटल रिप्रेजेंट जितने पैसे मांग चुके हो। बेटा कब फॉरफिट हो रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद, तो चेक करो सेकंड कॉल तक कितने पैसे मांग चुके, 1, 2, 3 makes it 6 और 4 call के makes it 10। तो 500 शेयर पे 10-10 रुपए के हिसाब से, सॉरी 50 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से यू हैव कॉल्ड सो फार 500 rupees। ये आपको क्या नहीं दे रहे, सिर्फ आपको 4 rupees की फाइनल कॉल नहीं दे रहे। तो ऑन 50 शेयर्स यू हैव नॉट रिसीव्ड 4 per share,
हैंस रुपीज 200 इज योर एरियर। मिल क्या गया इनसे दोस्तों, 1 रुपी एप्लीकेशन, 2 रुपी अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, तो 6 मिल चुके हैं आपको। तो इस हिसाब से जो मिल चुका वो पैसा फॉर फ्यूचर में। तो ऑल इन ऑल इस तरीके से हमने तीनों लोगों के शेयर फॉरफिट कर दिए, राम के भी, श्याम के भी और मोहन के भी। अब आगे की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में बड़ी अच्छी लाइन कहता है, बोलता है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, जितने भी शेयर फॉरफिट करे थे सबको रीइश्यू कर दिया, 9 per share फुल्ली पेड अप, 9 per share फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब पूरे 10 वाला 9 में। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठा, हमने फॉरफिट कितने करे थे, तभी तो पता चलेगा रीइश्यू कितने। दोस्तों आपने 100 share एक बार फॉरफिट करे, 150 एक बार मेकिंग इट 250, 50 shares एक बार तो मेकिंग इट 300 shares, आपने 300 share फॉरफिट करे थे, अब सबको रीइश्यू कर दिया 9 rupees के हिसाब से। तो दोस्तों 10 का शेयर 9 में रीइश्यू, हेंस 1 का लॉस, और लॉस होने की सूरत में कहां से पूरा होता है वो लॉस, ये हमने पीछे सीखा ही है शेयर फॉर फ्यूचर से। तो वैसे तो रीइश्यू की एंट्री बनती है सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अगर कम में रीइश्यू करो लॉस हो रहा है देन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज डेबिटेड। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो, ऑल, ऑल मतलब जो फॉरफिट हुए थे, फॉरफिट कितने हुए थे टोटल 300, तो आप 300 शेयर रीइश्यू कर रहे हो 9 rupees के हिसाब से, तो आपके बैंक में 2700 आए होंगे। 300 शेयर पे एक एक का लॉस हो गया, वो शेयर फॉर फ्यूचर से पूरा करोगे, इस हिसाब से आपका 10 वाला शेयर 9 में रीइश्यू। तो दोस्तों ये आपके रीइश्यू की एंट्री हो गई 300 शेयर्स को। अब हमें मालूम है लास्ट स्टेप होता है फॉर फ्यूचर के बचे कुचे पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, जिसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट कैसे निकालोगे, पहले ये देखो सभी शेयर को फॉरफिट करने पे आपको पैसे मिले कितने थे। दोस्तों जब हमने पहले आदमी के शेयर फॉरफिट करे थे तो हमें 100 rupees मिले थे, जब हमने श्याम के शेयर फॉरफिट करे थे तो हमारे फॉरफ्यूचर में 450 गया, और जब हमने मोहन के शेयर फॉरफिट करे थे तो हमारे फॉरफ्यूचर में 300 rupees आए, तो कुल मिला के हमारे को 850 rupees मिले थे एज ए बैलेंस ऑफ फॉरफ्यूचर, जिसमें से रीइश्यू के समय हमें 300 का लॉस हो गया। तो आउट ऑफ 850 जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट था, रीइश्यू के समय जो लॉस हो गया विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल लॉस, उसे माइनस कर दो कि आउट ऑफ टोटल 850 प्रॉफिट 300 तो लॉस में लग गए, बचा बाकी का 550, दिस मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये आपकी लास्ट एंट्री होगी फॉर फ्यूचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को, और अब जो मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहा हूँ उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।